हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल युवांशी फैशन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ साड़ी के अंदर फोन लगाने का सबसे आसान तरीका। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये मेरी साड़ी है, इसके अंदर मैंने ये फॉल ली है और इसको अब हम इसके अंदर अटैच करेंगे। और इसके लिए हमें ये हाथ वाली सुई लेनी है, ये इस तरीके से हाथ वाली सुई लेनी है। इसके अंदर बिल्कुल पतली और लंबी वाली सुई आती है फॉल लगाने की, हमें ये वाली सुई लेनी है। अब हमें इस साड़ी को खोलना है और जो हमारे ये वाला जो हिस्सा होता है, बिल्कुल जो एक तरफ का जो पैक हिस्सा आता है जिसमें लेस लगी हुई रहती है, ये हमारी पल्लू होती है साड़ी की। और ये जो पीछे का हिस्सा होता है, खुला हुआ हिस्सा होता है, उसके अंदर हमें फॉल लगानी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इधर नीचे तक ये हमारी लेस लगी हुई है और ये हमारे पीछे का हिस्सा है, इसमें हमें फॉल लगाना है। फॉल लगाने के लिए हमें इस तरीके से ये वाला हिस्सा हमारे फॉल लगाना है। तो हमने ये फॉल ली है, आपको सबसे पहले इसको फॉल को भिगोना होता है, भिगोने के बाद इसको प्रेस करनी होती है और फिर उसके बाद में हम इसके अंदर साड़ी के अंदर फॉल लगाते हैं। फॉल लगाने के लिए हमने जो ये हमें पहले ये देखना होता है कि कौन सा हिस्सा सीधा है और कौन सा हिस्सा उल्टा है। तो हमारे जिसमें सिलाई करा हुआ होता है वो वाला हिस्सा तो उल्टा होता है, तो हमें उल्टे हिस्से की तरफ इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं। यहाँ से हमें इस तरीके से यहाँ से थोड़े से हिस्से को इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें हमारी साड़ी लेनी होती है। साड़ी में हमें एक इस तरीके से नापना होता है, हमें इतने से अंदाजे से थोड़ी सी जगह से इस तरीके से छोड़नी होती है। चाहे तो आप इस तरह से हाथ से भी नाप सकते हैं इसको, इससे एक बिलान और एक हाफ बिलान इस तरीके से करके यहाँ तक की हमें इस तरह से यहाँ तक की जगह छोड़ के और फिर हम इसमें फॉल लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इतनी जगह छोड़ दी और यहाँ से हम फॉल लगाएंगे। फॉल लगाने के लिए हमने सबसे पहले हम ये इधर से नीचे से यहां से लगाएंगे। ये जो हमने उल्टा वाला हिस्सा होता है जिस तरफ हमने फोल्ड किए फॉल को, उसको हम अंदर की तरफ दबाएंगे और जो सीधा हिस्सा होता है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। और फिर हमें हाथ वाली सुई लेनी है और इसमें एक इस तरह से यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। हमें इस तरह से यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है और फिर इसमें थोड़ी सी इसमें छोटी छोटी सी ही सिलाई लगानी है, क्योंकि फोल लगाते हैं तब हमें छोटी छोटी सी सिलाई लगानी होती है, इसलिए बिल्कुल छोटी छोटी सी सिलाई लगानी है। अब हम इसमें थोड़ी सी दूरी पर इसी तरीके से फिर हम दोबारा से एक सिलाई लगाएंगे। और फिर हम इसमें वापस पीछे की तरफ से बैक साइड लेते हुए और फिर इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको वापस पीछे की तरफ से लेते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। हमें वापस में इसी तरीके से पूरे में लगानी है। हम इस तरीके से लगाएंगे तो आपकी ये फॉल बहुत मजबूती सी लगेगी और आपकी जिस तरीके से पायल के अंदर अटक कर और उलझ के निकल जाती है वो निकलेगी भी नहीं उससे फॉल। हमें वापस से जिस हम यहाँ पे सुई निकलने के बाद में वापस पीछे के हिस्से से आगे लेते हुए हमें इस तरह से लगानी है इसको, इससे मजबूती से फॉल लगती है। जब आपके अंदर इसके अंदर ये फॉल आ जाती है, इसके अंदर ये लेस आ जाती है, तो आपको इसके अंदर फॉल को और साड़ी को बराबर मात्रा में लेते हुए बराबर बराबर लेते हुए आपको इसके अंदर फॉल लगानी है। इसमें कपड़ा खींचना, तो इसके अंदर कपड़े को खींचना है नहीं फॉल को खींचना है। खींचेंगे तो आपके इसके अंदर झोल पड़ सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल बराबर बराबर करते हुए इसको अंदर इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया है पीछे से हमें सिलाई लेते हुए हमें इसके अंदर सिलाई लगानी है। इससे आपकी लेस भी मजबूती से लग जाएगी, आपकी फॉल भी मजबूती से लग जाएगी।
जब आपका धागा खत्म हो जाता है तो हमें इस तरह से इसको पीछे लेना है और फिर इसमें जरा से इसे सिलाई लेते हुए इसको इस तरीके से थोड़ा सा सिलते हुए, फिर जब ये गोल बन जाता है तो इसके अंदर से सुई को निकाल के और फिर इसके बाद में यहाँ पर एक घुंडी लग जाएगी, गांठ बन जाएगी और फिर हमें यहाँ से इस धागे को कट कर देना है। ऐसे धागे को पिरो लिया है और अब जहां से हमने एंड की थी वहीं से हम उसके वापस स्टार्ट करेंगे। तो इसमें नीचे से हमें लेते हुए इस तरीके से लेना है और फिर हमें वापस पहले की तरह पीछे से लेते हुए हमें सिलाई करनी है इसके अंदर और छोटी छोटी सी हमें सिलाई लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरी में फॉल लगा ली, सिर्फ मेरा ये वाला हिस्सा इतना सा ही फॉल बाकी और मैंने पूरे में लगा लिया है। अब हमें ये जो हमारा दूसरा हिस्सा है, फॉल का दूसरा हिस्सा है, इसे भी पहले हिस्से की तरह है हमें इधर फॉल्ड कर देना है। इसको हमें बिल्कुल इसको सीधा रख रहे हैं और सीधा रख के इसको इस तरीके से हम इसको फॉल्ड कर देंगे और फिर इसको फॉल्ड करने के बाद ही हम इसलिए सिलाई लगाएंगे। ये हमारी पूरी फॉल लग चुकी है। अब हम यहाँ पर सिलाई करके और इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। हमें यहाँ पर इसको नीचे की तरफ ले जाके इसको गोल घुमाते हुए इसके अंदर से हमारी इसको सुई को निकालना है। तो यहाँ पर ये एक सिलाई लग जाएगी और फिर हम इसके यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने नीचे की फॉल लगा ली है। अब हम इसमें ऊपर की फॉल लगाएंगे। हमें पूरा इसको अच्छे से रखना है। पहले हमें इसको इस तरीके से हिलाते हुए और फिर हमें इसको इस तरह से रख देंगे। इसमें आपको अच्छे से सेट करना है ताकि इसके अंदर झोल नहीं पड़े। सेट करने के बाद में हमें ये जो हम इस पर सबसे पहले हम जो ये ऊपर के जब हम फॉल लगाते हैं तो इसमें इसको इजी से लगाने के लिए, इसको आसानी से लगाने के लिए हम एक इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा देते हैं। वो हम कच्ची सिलाई बड़ी बड़ी लगा देते हैं और उसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा देते हैं, उसके बाद में फॉल लगाते हैं तो हमारी फॉल आसानी से भी लग जाती है और बिल्कुल उसके अंदर फिनिशिंग आ जाती है। तो हम अब इसको सबसे पहले इस तरह से रखेंगे और इसके अंदर कच्ची सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले हम ये जो हमारे कॉर्नर होता है, हम इस कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे लगाना और इसके अंदर बड़ी बड़ी सिलाई लगाते हुए हम इस ऊपर की सिलाई को, इस ऊपर की फॉल को अटैच कर देंगे और फिर हम बाद में इसमें पक्की सिलाई हम बाद में लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरे में इसमें कच्ची सिलाई लगा ली है। पूरी हमारी साड़ी के अंदर कच्ची सिलाई लग चुकी है। अब हम इसके अंदर हमने जो ये दोनों तरफ के किनौरे, इधर के तरफ के किनौरे में हमने कच्ची सिलाई लगा दी है और ये जो हमने आगे की जो ये वाली किनौरी छोड़ी थी, अब हम इसके अंदर भी कच्ची सिलाई लगा देंगे। ये हमने इसके अंदर कच्ची सिलाई लगा दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी इसके अंदर कच्ची सिलाई लगा दी है और ये देखिए हमारी साड़ी के अंदर बिल्कुल भी झोल नहीं आया है और हमने आसानी से इसके अंदर ही कच्ची सिलाई लगा दी है पूरी के अंदर। ये देखिए, पक्की सिलाई लगाने के लिए हमने वापस स्टार्टिंग से ले आएंगे और फिर यहां से हम वापस पक्की सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ पर नीचे की तरफ जब हमने सिलाई लगाई थी तो हमने दुलड़ा हमने धागे लिए थे। अब हम यहाँ ऊपर की सिलाई लगाएंगे तो हम एक लड़ा धागा लेंगे। अब हमें वापस इसके अंदर से यहां से स्टार्ट करनी है और हमें पहले की तरह इसमें भी छोटी छोटी सी सिलाई लगाते हुए और
हमें यहाँ पर फॉल अटैच करनी है और हमें जैसे हमने नीचे लगाई थी हमने पीछे की तरफ से लेते हुए हमें यहाँ से सिलाई करनी है, क्योंकि जिससे हमारी इसमें मजबूती बनी रहेगी। फॉल के अंदर हमें बिल्कुल छोटी छोटी सिलाई लेते हुए इसके अंदर सिलाई लगानी है, ठीक, जिससे इसमें झोल भी नहीं पड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर हमारी ये पूरी फॉल लगा दी है हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी फॉल लग चुकी है। अब हमने जो ये कच्ची सिलाई लगाई थी, अब हम इसको हटा देंगे। इस कच्ची सिलाई को आपको इस तरह से इस कच्ची सिलाई को निकाल देनी है और ये हमारी पूरी फॉल लग गई है। ये देखिए हमारी फॉल के अंदर कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। हमने आसानी से बहुत जल्दी हमने इसके अंदर साड़ी के अंदर फॉल लगा दी। बहुत कम समय में हमने इस साड़ी के अंदर फॉल लगा दिया, बहुत ही आसानी से लगा दिया है। और इसके अंदर देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, एक फिनिशिंग लुक आया इसके अंदर। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ा है इसके अंदर। अगर आपको मेरी ये फॉल लगाने का तरीका अच्छा लगा है और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।